अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज जो हमारा टॉपिक है जो पोएम है दैट्स अबाउट नॉर्थ बाय शेमस हीनी तो सबसे पहले हम देखेंगे शेमस हीनी की शॉर्ट बायोग्राफी शेमस जस्ट हीनी ये इसका फुल नेम है डेट ऑफ बर्थ थर्टीथ अप्रैल नाइनटीन और डेथ इसकी थर्टिथ अगस्त टू में हुई थी ये एक आयरिश पोइट थे प्ले थे ट्रांसलेटर थे प्ले राइट के मतलब एक ड्रामेटिस्ट और आयरलैंड से थे और इसको नोबेल प्राइज़ मिली थी नाइनटीन में इन लिटरेचर एंड among बेस्ट नॉन known लाइक like ऑफ अ नेचुरलिस्ट Naturalist* (1966) में इसमें पब्लिश कराया था और इसी तरह शेमस हिनी वॉज एंड स्टिल रिकिग्नाइज एज़ वन ऑफ़ द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर्स टू पोइट्री इन आयरलैंड ड्यूरिंग हिज़ लाइफ टाइम सो आयरलैंड में इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी पोइट्री में और आयरलैंड के लोग आज भी इसे रिमेंबर करते हैं बिकॉज ही वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू पोइट्री इन आयरलैंड ड्यूरिंग हिज़ लाइफ टाइम अमेरिकन पॉइंट रॉबर्ट लोवेल ने इसके बारे में कहा था कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरिश पॉइट सन्स यट्स यट्स भी जो थे ये आयरिश पॉइट थे आयरलैंड से थे और दूसरे जो हमारे पास जो पॉइट हैं जॉन सटरलैंड उसने इसके बारे में कहा था कि द ग्रेटेस्ट पॉइंट ऑफ आवर एज अपॉन हिज डेथ इन 2013 थाउजेंड थर्टीन द इंडिपेंडेंट डिस्क्राइब्स हिम या डिस्क्राइब हिम एज प्रोबली द बेस्ट नॉन पॉइट इन द वर्ल्ड इंडिपेंडेंट ये एक न्यूज़पेपर uh, है ऑनलाइन न्यूज़पेपर एंड इट्स फ्रॉम ब्रिटिश सर्स मीन्स फ्राम ब्रिटेन सो इसने ये लिखा था इस न्यूज़पेपर में कि प्रॉबली द बेस्ट नॉन पॉइंट इन द वर्ल्ड फेमस ट्वेंटी सेंचुरी के बहुत बड़े राइटर हैं और एज अ पॉइट फ्राम नॉर्थर्न आयरलैंड हैनी यूज हिज वर्क टू रिफ्लेक्ट अपॉन द ट्रेवल्स The often violent political struggles that plagued the country during Haney's young adulthood the poet sought to weave the ongoing Irish troubles into a broader historical frame embracing the general human situation in the books venturing out 1973 and North 1975 Actually Ireland colony Britishers so period, the problems the troubles, the faced, and troubles that the पॉलिटिशियंस थे वो किस तरह लोगों को यूज़ करते थे वो किस तरह इंतशार फैलाते थे तो ये सब कुछ जो है ये शेमस हीनी ने पोएम एक्सप्लेन किया है और इससे ज़्यादातर पोइम इसी से रिलेटेड है तो ये खुद जो थे नॉर्थर्न आयरलैंड के थे एज अ ट्रांसलेटर हिनीज़ मोस्ट फेमस वर्क इन द ट्रांसलेशन ऑफ द एपिक एंग्लो सैक्सन पोएम पोएफ़ हमें पता है कि जैसे हिस्ट्री में इंग्लिश लिटरेचर में ये सबसे पहला एपिक पोएम है और इसको किसने ट्रांसलेट किया था शेमस हिनी ने बिकॉज ही वॉज अ ट्रांसलेटर अब बढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ द पोएम की तरफ सो हिस्टोरिकल कंटेक्स की बात करें नॉर्थ इज इंटेटली इंगेज विद द हिस्ट्री ऑफ आयरलैंड इट्स लॉन्ग रिलेशनशिप विद द ग्रीन लैंड आयसलैंड एंड नॉर्डिक रेडर्स तो आयरलैंड इंशियन सेल्टिक पीपल आर वेल नोन फॉर द रेड्स ऑन द ब्रिटिश एसल्स एंड मच ऑफ यूरोप प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिस्टनिटी इन द फोर्थ और फिफ्थ सेंचुरी नॉर्थ पोएम इसीलिए लिखी गई है क्योंकि आयरलैंड जैसे मैंने बताया था कि ये ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी तो उस वक्त इसके क्या रिलेशन थे ग्रीन लैंड के साथ आइसलैंड के साथ और नॉर्डिक राइटर्स के साथ इसी तरह जो आयरलैंड एनशियन थे जो सेल्टिक पीपल थे वो फेमस थे किस चीज़ के लिए ब्रिटिशर्स पे जो जो इन्होंने रेड करते थे इसी तरह एंड मच ऑफ यूरोप प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द फोर्थ और फिफ्थ सेंचुरी हैनी चूज फोकस ओनली ऑन द नॉर्डिक इन्वेजनस ऑफ आयरलैंड जो नॉर्डिक इन्वेंशन थी आयरलैंड पे इसका मेन फोकस पूरे पोम में इसी पे है दिस चूजिस का नेक्स्ट द सेटलमेंट एंड शेपिंग ऑफ आयरलैंड बाई फॉरन वाइकिंग फावर्स टू द लेट एंग्लो सेक्सन या एंग्लो नॉर्मन इन्वेजन ऑफ द ट सेंचुरी वाइकिंग का मतलब है जैसे आजकल जो कंट्रीज़ है डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन इनको वाइकिंग्स कहा जाता है एंड तो आयरलैंड का इनके साथ भी बहुत बड़ा कनेक्शन है और और फिर ट्वेल्थ सेंचुरी में नॉर्मन इन्वेजन जो हुई थी आयरलैंड पे और इसी तरह जो विच बिगैन अ पीरियड ऑफ इंग्लिश रूल ओवर आयरलैंड तो उस वक्त से फिर जो इंग्लिश थे जो इंग्लिश मैन थे उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया आयरलैंड पे दैट लास्टेड अंटिल द अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी ट्वेंटी सेंचुरी तक रूल करते रहे मेकिंग दिज एम्प्लिसट कनेक्शन हैनी प्लेस आयरलैंड एज अ साइट ऑफ कॉलेनाइजेशन अ विक्ट ऑफ रेडिंग पार्टीज एंड प्लेस वेयर वायलेंस राम आउटसाइड इन्फ्लुस रदर दैन फोकस इनहेरेंटली तो इस पैराग्राफ का मतलब यही है कि जो कनेक्शनस थे एम्पलिसटली मीनस जितना भी इंतजार उस वक्त फैलता था आयरलैंड में क्योंकि आयरलैंड एक कॉलोनी थी तो वो सब आउटसाइड से होता था इसके अपने लोग बड़े पुरमन थे तो कोई वायलेंस क्रिएट नहीं करते थे लेकिन जितनी वायलेंस क्रिएट होती थी वो क्यों होती थी बिकॉज इट वॉज अ कॉलोनी सो ये आउटसाइड से सब कुछ होता था हैंनी एवॉइड ऑल मैंशन ऑफ द सेल्टिक लॉन्ग वार्डस दैट फोर्थ द रोमन एम्पायर हैनी जो है एवॉयड करता है उनसे ग्रेज करता है उनको मैंशन नहीं करता जो सेल्टिक लॉन्ग स्वर्ड से जिन्होंने रोमन एम्पायर लड़ी थी and only describes those of the fabulous riders that continuously flowed into ireland since the 9th century and line 9 just likewise heneid defects much of the violence that occurs on irish soil as the result of hit and behind backs of the all-thing line 25 to 26 suggesting that the violence in ireland is the result of outside political leaders political forces तो इस पैराग्राफ में भी यही बात की गई जो पिछले पैराग्राफ में थी कि जितनी भी वायलेंस क्रिएट होती थी आयरलैंड में वो सब कहाँ से होती थी आउटसाइड पॉलिटिकल फोर्सेस के जरिए होती थी क्योंकि आयरलैंड के अपने लोग बड़े फुराम थे इवन ये उनके लीडर्स थे उनमें से कुछ मिले हुए थे लेकिन ज़्यादातर जो हैं फ्रामंद थे अब इसके अगर की फैक्ट्स की बात करें तो इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स था बहुत इंपॉर्टेंट था फोम को समझने से पहले सो की फैक्ट्स ये दस हैं हमारे पास फोर्टी लाइनस हैं नॉर्थ नाइनटीन सेवेंटी फाइव इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएस नॉर्थ खुद एक कलेक्शन है लेकिन ये एक पोएम भी है और इसके चालीस लाइन्स हैं शेमस हनी हुव द नाइनटीन नाइनटी फाइव नोबल प्राइज लिटरेचर इट वॉज द फर्स्ट ऑफ दिस वर्ल्ड द डायरेक्टली डेल्ट विद द ट्रेबल्स इन नॉर्थर्न आयलैंड इट लुक्स फ्रीकुन टू द फास्ट फॉर इमेज एंड सिम्बल्स रिलेवेंट टू दायलेंस एंड पोलिटिकल अनरेस्ट ऑफ़ दैट पोएम सो so, इस पोइम में इसने भी यही एक्सप्लेन किया कि आयरलैंड जो नॉर्थ ये ख़ुद नॉर्थर्न आयरलैंड से थे कि नॉर्थर्न आयरलैंड पे किस तरह जो है ब्रिटिशर्स ने कब्ज़ा जमाया था और किस तरह वहाँ पे रूल्स कर रहे थे किस तरह कॉलोनी बनाई थी इन्होंने वहाँ के लोग क्या ट्रबल्स फेस कर रहे थे उस वक्त नॉर्थर्न या नॉर्थ स्पेशली पोर्ट्रेज द वायलेंस एंड लिटरेट ऑफ द ट्रबल्स फ्रॉम 1960 ये डेट भी मेंशन की गई 1968 से लेके 68 से लेके 1998 तक द ट्रबल रेफर टू द सेक्टेरियन वारफेयर एंड डिवीजन बिटवीन द यूके एंड आयरलैंड फिर इस तरह की डिवीजन भी हो जाती है मीन द आयरलैंड द गॉड फ्रीडम ये जॉन कीट जो कीट्स है यीट्स है ये इसकी बट जॉन बटलर यीट्स इसकी एक पोएम है वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा विलियम बटलर यीट्स की एक पोएम है जो पोएम का नाम है वो है ईस्टर 1916 बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है और इसको पढ़ने से आप लोगों की नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा क्योंकि उस पोएम में भी यही एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह आयरलैंड के लोगों ने अपनी आज़ादी की जंग जो थी वो लड़ी थी ड्यूरिंग दिस पीरियड पोलिटिकल इन इन फाइटिंग अकर्ड एंड कॉज कन्फ्लिक्स दैट इवेंचुअली लीड टू ब्लडी एंड नेचुरल वॉर और इसी पीरियड में जो पॉलिटिकल इनफाइटिंग थी जो पोल्टिकल रस्साकशी थी अकर्ड और खास कन्फ्लिक्ट इससे कन्फ्लिक्ट है क्रिएट हुए थे और इसी तरह इससे एक वॉर बन गई थी मींस वॉर जो है वॉर की तरफ ये सब गए थे फिर वॉर इन्होंने लड़ी थी नॉर्थ इज़ द पॉइट फोर कलेक्शन पब्लिश बाई फेवर एंड फेवर इन नाइनटीन एंड फेमस वॉज अ नॉर्थन आयरिश के तेलिक इन माइंड इन हिज मिड थर्टीज़ तो ये ख़ुद एक आयरिश के तैलिक थे मिड थर्टीज़ में he described his north collection as a very oblique and intense book uh, fused at a very high pressure north especially portrays the violence and hatred of the troubles come to a head between nationalists and republicans between protestants Ab catholics outrages from all sides committed both british army and the irish republican army तो ये इनके दरमियान जो लड़ जंग लड़ी गई थी ब्रिटिश आर्मी के दरमियान और आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के दरमियान उसी जो वायलेंस क्रिएट हुई थी उस पर आवाम का क्या असर हुआ था और जो एक ही ट्रेड में जो नफरत फैल गई थी वायलेंस क्रिएट हुई थी और इस तरह जो है ये दो आर्मी आपस में टकराए थे द तो वाइकिंग्स वाइकिंग्स जैसे यहाँ पे एक शॉर्ट डिफिनेशन लिखी है वाइकिंग्स इज़ द मॉडर्न नेम गिवन टू सी फारिंग पीपल ओरिजिनली फ्राम स्कैंडवेविया प्रज़ेंट एज जिसको हम आज डेनमार्क नॉर्वे और स्वीडन के नाम से जानते हैं ये तीन कंट्रीज़ कौन सी ये वाइकिंग कंट्रीज़ थे जो समंदरी रास्ते के जरिए आते थे हु फ्रॉम द लेट एट्थ टू लेट अलेवन सेंचुरीज रेड ट्रेडिड एंड सेटल थ्रू आउट पार्ट्स ऑफ द यूरोप तो ये एट्थ और अलेवेंथ सेंचुरी के बीच इस तरह वहाँ से मूव करके यूरोप्स की तरफ आए थे और यूरोप में इन्होंने अपनी सेटलमेंट रखी थी मीनस वहाँ पे बसना स्टार्ट किया voice of the title poem north Earth's the is the patent the collection is divided into two parts of which the first is more symbolic dealing with the themes such as the greek myth of Ephesus and the bog bodies of northern europe vikings and the other historical figures the second shorter part contains poems that detail more specifically with life in northern ireland during the troubles and contains डेट्री पोइम्स टू माइकल मकलवेठी माइकल मकलठी जो थे कौन थे ये आयरिश राइटर थे नावल थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और शेमस डैनी शेमस भी खुद एक आयरिश पोइट थे नावलिस्ट थे क्रिटिक थे और इंटेलेक्चुअल हिस्टोरियन थे तो इसके एक्चुअली दो कलेक्शन है मीन इसको दो पार्ट भी डिवाइड किया गया है जो पहला पार्ट है वो डील किसके साथ करता है उसके जो थीम्स है वो किससे रिलेटेड है ग्रीक मिथ से जिसके में आता है एंथियर्स द बॉक बॉडीज़ ऑफ नॉर्थर्न यूरोप वाइकिंग्स वाइकिंग्स जैसे मैंने बता दिया था एंड अदर हिस्टोरिकल फिगर्स सेकेंड में क्या बताया गया है आयरलैंड के बारे में बताया गया है कि आयरलैंड पर किस तरह लोगों ने हुकूमत की और किस तरह वहाँ ट्रबल्स क्रिएट हुए थे किस तरह वहाँ वायलेशन क्रिएट हुई किस तरह वहाँ की आवाम जो थी अपने हकू के लिए लड़ी थी ये सब कुछ जो है ये सेकेंड जो पार्ट है इसमें सब एक्सप्लेन किया गया है North is of the Henny's more controversial collections, despite the titular poem's strength and popularity. The poem, told in a series of unrhymed quatrains, taken an approach similar to Eliot's *The Waste Land*, in letting responses, images, and representations of the past coexist with the speaker's present experience. While Eliot's uh, poem focuses on the mind, however, Henny's North focuses on the body and its connection to प्लेस तो ये इसका जो नॉर्थ कलेक्शन है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल कलेक्शन है और इस पर मीन्स काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है लेकिन इससे इसको पॉपुलैरिटी भी मिली थी स्ट्रेंथ भी मिली थी इस पॉइंट को द पोएम टोल्ड इन अ सीरीज़ ऑफ़ अनराइंड फिर इसकी जो है स्ट्रक्चर की बात की गई है कि इस पोएम में किस तरह स्ट्रक्चर्स यूज़ हुए हैं मीटर एंड फॉर्म की बात करें इस पोएम की सो नॉर्थ कंसिस्ट ऑफ टेन अनराइंड क्वार्रियस दस क्वाट्रिय है इसके स्ट्रेंजाज ऑफ फोर लाइन्स और जो चालीस लाइन है उस चालीस लाइन में हर स्ट्रेंजा जो है चार चार लाइन की है विद आउट अ कंसिस्टेंट मीटर इसकी कोई मीटर नहीं है नॉट रिलाईज़ ऑन हैनीज़ केयरफुल यूज़ ऑफ पावल एंड कॉन्सनेट सॉन्ग्स टू गिव दूम आफ स्पोकन और विम तो इसमें इसने कॉन्सनेट और पावल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है दैट प्लेज विद द साउंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश अल्टरनेटिव वर्सेज हैनीज़ पार्शियल इंगेजमेंट विद दिस एंटीग्रेटेड फॉर्म स्ट्रक्चर अराउंड द क्वालिटी ऑफ वर्ड्स साउंड रदर दैन इट्स स्ट्रेसिस रियनफोसिस द पोए मैसेज अबाउट द वैल्यू ऑफ वर्डल पोइट्री ट्रेडिशंस तो ये इसके मीटर एंड फॉम के बारे में पूरी एक्सप्लेशन है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये हैं कि इसके चालीस लाइन हैं और हर जो स्टेंजा है वो फोर फोर लाइन्स पर कंसस्ट है मीन मीटर की इतनी वो ख़्याल इन्होंने नहीं रखा और ज़्यादातर कॉन्स्टेंट और वावल्स का यूज़ हुआ है इसकी अगर थीम की बात करें सबसे पहला थीम है इम्पोजिशन मतलब किस तरह एक दूसरी कंट्री जो है दूसरी कंट्री को मतलब इम्पोज़ करता है कॉलिनाइज कर वहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाता है वहाँ के लोगों को किस तरह ट्रबल में डालता है और कहाँ के लोगों को वहाँ के जो मतलब जो मिनरल्स है या जो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थे उसको किस तरह लूटते हैं इसको हम इम्पोज़िशन में कहते हैं वॉर हुई थी ओबियसली एक मुल्क अगर आज़ादी हासिल करना चाहता है तो उसके लिए इसने लड़ना होगा फॉर होगी तभी आज़ादी होती है इसकी बेस्ट एग्जांपल आप पाकिस्तान इंडिया के वो ले सकते हो ऑपरेसर वोरेस्ट ऑपरेसर जो जुल्म करते हैं ऑपरेस्ट जिन पे जुल्म किया जाता है कॉलोनीज ओबियसली आयरलैंड जो थी एक कॉलोनी थी किसकी इंग्लैंड की अब जैसे मैंने बताया था वो एक पोएम आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा ईस्टर नाइनटीन सिक्सटीन बाई जॉन बटलर यीट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है उस पोएम में एक शॉर्ट हिस्ट्री बताई गई है आयरलैंड की कि आयरलैंड के लोगों ने किस तरह बगावत करके अपनी जो है आज़ादी हासिल की थी कॉमन पीपल सफरिंग इसी तरह ट्रबल्स ये सब इसके इंपॉर्टेंट थीम्स हैं सो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। केयर ऑफ ये